तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेघराज और आज के इस ब्लॉग के अंदर हम चलने वाले हैं घूमने मेरे ढाबे पर, जहाँ पर मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और साथ ही आज का ये ब्लॉग आप कम्प्लीटली जरूर देखते हैं। एंड आई होप अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे तो अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं मेरे मोहल्ले के अंदर हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कॉलोनी कुछ इस टाइप की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये हमारा घर है और यहाँ पर ये मेरी बुलेट खड़ी हुई है जो देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये ब्लॉग है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप हमारा ये ब्लॉग को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। एंड अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हमारी मेरी जो कार है वो पार्किंग पे है, वहाँ चलता हूँ और वहाँ से कार को उठाते हैं और हम चलने वाले हैं घूमने। तो दोस्तों, ब्लॉग कम्प्लीटली ज़रूर देखें। ये मैंने कार का लॉक खोल दिया है और ये कार रखी हुई है। यहाँ से हमने ये कार करी ओपन, इसके अंदर आकर बैठ गया भाई मैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं कार के अंदर आ चुका हूँ और अब हम चल रहे हैं ट्रैवलिंग करने। ज़्यादा कहीं भी नहीं, मेरे खुद के ही ढाबे पर जा रहा हूँ दोस्तों। वहाँ पर आज का जो शायद सैटरडे है और अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ वहाँ पर, इसलिए मेरा मूड था इसलिए जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपको वहीं का देखने को मिलने वाला है, तो आप हमारे ये ब्लॉग को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे, तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम कार के अंदर की लगाते हैं भाई। आगे काका श्री, यस। तो दोस्तों, अभी हम घर से निकल चुके हैं और अब हम निकल चल रहे हैं यहाँ से। बाकी कार के अंदर सीट बेल्ट का सायरन मार रहा है, चलो सीट बेल्ट लगाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो छबड़ा जो सिटी है, इसके यहाँ का जो सीन है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। काफी शानदार व्यू है। इन फ्यूचर में हम उत्तराखंड घूमने चलेंगे, वहां के व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही लाइफ स्टाइल से रिलेटेड व्लॉग्स हमारे इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के इन व्लॉग्स को कम्प्लीटली जरूर देखें। तो दोस्तों, ये व्लॉग आई होप आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुँचाएं। तो थोड़ा बहुत मैं रोड का सीन लूँगा, फिर हम हमारे ढाबे पर चलेंगे, वहाँ का कंप्लीट व्यू आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
तो दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ मंडको बालाजी धाम, जो कि यहाँ नज़दीक में पड़ता है। तो मंडको बालाजी धाम पर मैं आपको घुमाने लाया हूँ, तो आप यहाँ का सीन देखे, काफ़ी शानदार नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप हमारे इस व्लॉग के अंदर मंडको बालाजी धाम देखने वाले हो, और उसके बाद में फिर मैं आपको जो मेरी होटल है उस पर ले चलूँगा, वहाँ चलकर मैं खाना वाना खाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ से अब फिर हम उसके बाद में एंड में घर जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस टाइप का सीन हमें देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार व्यू एंड शानदार नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। तो आज का जो व्लॉग है आप कम्प्लीटली ज़रूर देखें, इस व्लॉग के अंदर आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ से आगे का जो सीन है वो देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार व्यू है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सामने की ओर बालाजी धाम आपको देखने को मिल रहा है, मंडको बालाजी, यहाँ पर मैं भी आपको ले चलने वाला हूँ और वहाँ आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप ये देख सकते हैं सीन, काफ़ी शानदार व्यू एंड नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस व्लॉग के अंदर आपको यहाँ का जो व्यू देखने को मिलता है काफ़ी शानदार एंड काफ़ी बढ़िया है। दोनों मतलब इसके पीछे और साइड वाला जो एरिया है, इन एरिया में चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, और आगे से इसका जो व्यू है जहाँ से हम जिस रास्ते से हम कार लेकर आएँ वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ का नज़ारा आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का सीन आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी कंप्लीट वीडियो देखनी है तो एक वीडियो हमने इससे पहले बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है मंडको बालाजी धाम, जो कि आपको देखने को मिलता है। फिलहाल मैं ऊपर ले चलकर आपको वीडियोग्राफी करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बता दिया था। और दोस्तों वैसे मैं मंदिर पर आ चुका हूँ, उसके बाद वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर अब, तो कुछ इस टाइप का सीन है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर आपको अंदर का व्यू एंड सीन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मंडको बालाजी धाम है जो आपने देखा। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लग रही हो, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज के इस ब्लॉग के अंदर आपको काफ़ी कुछ नया सीन्स देखने को मिले हैं, काफ़ी कुछ नई ट्रैवलिंग्स वीडियोज़ देखने को मिली है। इन फ्यूचर में हम डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहां से अब हम सीधे निकलते हैं कार स्टार्ट करते हुए हमारे ढाबे की ओर। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, और इस सामने का जो रोड सीन आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर मेरी जो होटल्स है वो देखने को मिलेगी, और इधर ये इंडस्ट्रीज एरिया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्रेशर आने वाले हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्रेशर, एक रिलायबल है, एक धनोरिया स्टोन क्रेशर है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये क्रेशरों के नाम है दोस्तों, और ये क्योंकि सारा ही सारा माइनिंग एरिया है, इंडस्ट्रीज एरिया है, तो इसके यही हमने ये ढाबा बना रखा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इधर एक मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट है जो आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर आप विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि काफ़ी शानदार पीछे की ओर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा ढाबा है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, पहले कार पार्किंग करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अब हम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आने के बाद यहाँ का कुछ सीन इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं चारों ओर का जो व्यू एंड नज़ारा है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, आपको दिख रहा हूँ। और दोस्तों वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं कराया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी मैं ढाबे से खाना खा के आ चुका हूँ, और अब हम घर पर जा रहे हैं। समथिंग शाम के 6:30-7 बज चुकी है, 6:30 बज चुकी है, और अब हम घर पर जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग आई होप अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ऐसे ही लाइफस्टाइल व्लॉग्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल की ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस व्लॉग।